press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamualaikum to all of you. एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम. तो ये कुलियात अदविया का पांचवा चैप्टर है और सैदला का भी फिफ्थ चैप्टर है ये, क्योंकि ये जो चैप्टर हैं ये दोनों जगह काम देंगे, सेकंड प्रोफ में भी और थर्ड प्रोफ में भी, दोनों जगह सिलेबस में दिया हुआ है. ठीक है, तो ये वीडियो दोनों प्रोफ के स्टूडेंट्स के लिए है. तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में. पहले एक रास्ता पता होना चाहिए पढ़ाई के लिए कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या. ठीक, तो देखिए यहाँ लिखा है दवाओं का हुसूल. हुसूल जो लफ्ज़ है वो बना है हासिल से, हासिल किसी चीज़ को पाना, हासिल करना. ठीक है, और तहफ़्फ़ुज़, तहफ़्फ़ुज़ बना है हिफाजत से, किसी चीज़ का बचाव, हिफाजत, प्रिवेंशन. ठीक है, तो इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है कलेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग, यानी दवाओं को कलेक्ट करना और उनको प्रिवेंट करना, बचा के रखना, ताकि वो ज़्यादा दिन तक चले, हमारे इस्तेमाल में आए, वो ख़राब ना हो जल्दी. इस चैप्टर को आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसलिए पढ़ते हैं कि क्या होता है कि हम दवाओं को जाने कि किस टाइम पर उन्हें हासिल करना है, वो एक अच्छा टाइम एग्जैक्ट जिसमें दवाओं की कीमियावी अज्जा ज़्यादा हों. ठीक है, कोई भी दवा हो तो अपने टाइम पे ही इस्तेमाल की जाती है. जब कोई भी नबाती दवा हो, यानी प्लांट ओरिजिन की कोई दवा हो, तो जब वो प्लांट पूरी तरीके से तैयार हो जाते तभी हम उस दवा को इस्तेमाल में लाते हैं, उसको हासिल करते हैं, न कि अभी वो पूरी तरीके से बड़ा भी नहीं हुआ और हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये चैप्टर यही सिखाता है कि किन किन दवाओं को आप किस वक्त आप ले आएँ और इस्तेमाल करें. तो इससे जब क्या होता है कि उस दवाओं के कीमियावी अज्जा यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जब ज़्यादा होंगे तो आप उस मर्ज़ को बीट करने में ज़्यादा आप आसानी मिलेगी, यानी वो मरीज़ जल्दी शिफायाब होगा. ठीक है, उस डिजीज़ से जल्दी फारिग हो जाएगा. तो ये चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा देती है. तो आइए पहले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो दवाओं को हासिल करना यूनानी निज़ाम इलाज में, यानी यूनानी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में दवाओं को हासिल करना एक इंतहाई अहम मौजू है. ठीक है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें हम लोगों को पढ़ने के लिए. ठीक, अब क्या होता है कि हम इसमें तीन तरह की दवाओं को हासिल करते हैं. ठीक, जैसे पहला है प्लांट ओरिजिन यानी नबाती दवाएँ, दूसरा है मादनी दवाएँ मेटेलिक और मिनरल ओरिजिन, उसके बाद है हैवानी दवाएं एनिमल ओरिजिन जो जानवरों से हासिल होती है. ये तो था पहले पॉइंट के बारे में. लेकिन एक बात और जानेंगे, जिन लोगों को ये तीन कैटेगरी के बारे में नहीं पता, प्लांट ओरिजिन, मिनरल एंड मेटेलिक ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन, तो ये तीनों कैटेगरी एक चैप्टर में मैंने डिस्कस किया है जिसका नाम है माखिज अदविया, यानी ड्रग्स का सोर्स, कहाँ से हम दवाओं को हासिल करते हैं. तो उस चैप्टर को अगर आप देख लेंगे तो ये चैप्टर और ज़्यादा समझ में आएगा अच्छी तरीके से. ठीक है, तो उस चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग उसको आसानी से देख सकते हैं. तो अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की. क्या होता है कि जो भी दवाएं हैं, ठीक है, वो तीन कैटेगरी से होंगी. इन दवाओं को क्या होता है कि ये हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती, यानी हर जगह पर पैदा नहीं होती ये दवाएँ, उनकी खेती नहीं होती या वो उस जगह से नहीं मिलती. तो अगर वो मिलती भी हैं उन जगहों से तो उनके अज्जा में फ़र्क आ जाएगा. ठीक है, उनके जो अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर कोई चीज़ कश्मीर में अच्छी होती है वहाँ के एनवायरनमेंट में, तो जब वो चीज़ आप किसी दूसरे स्टेट्स में अगर आप उसकी खेती करते हैं या उसकी बुआई करते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, जबकि जो कश्मीरी चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी होगी. यानी इलाकों के हिसाब से दवाओं की क्वालिटी डिपेंड करती है. अगर ये पॉइंट आपको लिखना हो एग्ज़ाम में तो क्या लिखेंगे, नबाती मादनी और हैवानी दवाएं हर जगह नहीं पैदा होती, अगर वो किसी और जगह पे पाई भी जाती हैं तो उनके अज्जा में फ़र्क आ जाएगा. इसी पॉइंट की बात करेंगे हम लोग. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि तजुर्बे से हमें पता होता है, हमारे एक्सपीरियंस से, कि कुछ मुल्क की दवाएं जो ज़्यादा बेहतर होती हैं दूसरे मुल्क के मुकाबले, ठीक है, या दूसरे
जगहों के मुकाबले, तो हम उन दवाओं को उनके बेहतर फसल में ही मंगाते हैं। जब उस टाइम उस स्टेट में उस मुल्क में जब वो अच्छा पैदावार हो रहा हो तब हम उस दवा को मंगाते हैं। सामने आपको ये तीसरा पॉइंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे आप कि जिन ममालिक यानी मुल्क की जमा है और मुकामात यानी एक मकाम, कोई भी स्टेट वगैरह कोई भी मुकाम है, ठीक है, तो जिन ममालिक और मुकामात पर तजुर्बे से ये बात पता चलती है कि उनकी दवाएं ज़्यादा असरदार और कुवी साबित होती हैं, तो हम उस मुल्क से उनके बेहतर फसल में उन्हें हम हासिल करते हैं। अब कुछ एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जैसे ज़ाफरान कश्मीरी, यानी जो ज़ाफरान कश्मीर में अच्छा होता है वहाँ की ज़ाफरान की फसल के वक्त, ठीक है, तो हम उसी वक्त मंगाते हैं। क्या होता है ना कि ज़ाफरान किसी दूसरे सीज़न में हुआ और हम ऑफ सीज़न मंगा रहे, जो रखा हुआ है स्टोर हुआ है तो वो उतना अच्छा नहीं होता जितना उस वक्त हुआ हो। तो ये चीज़ें हर चीज़ पर लागू होती हैं कि जो चीज़ उस टाइम सीज़न में है तो उन्हीं को हम मंगाएं, उन्हीं को हासिल करें, ऑफ सीज़न दवाओं को हम हासिल नहीं करते, ठीक है। जैसे ज़ाफरान कश्मीरी हो गया, मुश्क नेपाली, मुश्क नेपाली यानी नेपाल से मुश्क आता है, ठीक। उसके बाद उन्नाव विलायती, उन्नाव जो है विलायत यानी अलग, विदेश से आता है। तो ये सारे जो हैं अलग अलग मुल्क से हम हासिल करते हैं इन दवाओं को उनके बेहतर फसल के वक्त, ठीक। तो ये तीसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग एक हेडिंग के ज़रिए सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए दवाओं को हासिल करने का तरीका, ठीक है, वो क्या तरीके हैं कि हम कैसे दवाओं को हासिल करते हैं, वो चीज़ें पढ़ेंगे। और इन तीन कैटेगरी की, प्लांट ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन, इन तीनों कैटेगरी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि दवाओं को हासिल करने का एक मुनासिब वक्त होता है, मुनासिब वक्त और मखसूस तरीका, मुनासिब वक्त और मखसूस तरीका होता है, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसी वक्त हम दवा को हासिल करते हैं, और एक तरीका होता है कि किस तरीके से हम उस दवा को हासिल करेंगे, खास तरीका, ठीक है। तो इन्हीं दो बातों पे हम लोगों को डिपेंड रहना है, ठीक। तो किसी भी दवा को हासिल करने का एक मुनासिब वक्त यानी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और एक मखसूस तरीका, एक खास तरीका होता है कि कैसे उसे हासिल करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे अब। तो सबसे पहली कैटेगरी हम बात करेंगे, नबाती दवाएं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यूनानी तरीके इलाज में कम बेश ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 80% जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो हर्बल ओरिजिन यानी प्लांट ओरिजिन की होती हैं, ठीक है। तो उसमें हम उनके किसी भी पेड़ के किसी भी प्लांट के हम कम बेश तमाम अज्जा इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे बताऊँ मैं आपको तो उनके जड़, ठीक है, उसके बाद तना, उसके बाद उनके फूल, उसके बाद उनकी छाल, उसके बाद फल उनके, उसके बाद तुख्म यानी सीड्स, ठीक है, कमोबेस, और उनके लेटेक्स जो दूध होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं अगर उनके तने पे चाकू मारा जाए तो कुछ वाइट सिक्रीशन निकलता है तो उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कमोबेस तमाम चीज़ें एक पेड़ की एक प्लांट की हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि किस वक्त इनको हासिल किया जाता है। हम लोग बात करेंगे फूल और पत्तों को कैसे हम लोग हासिल करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये फूल है और ये पत्तियाँ, इनको हासिल करने के लिए बस उमूमन ख़ास तौर पर ये ध्यान रखना है कि वो जो भी आप हासिल कर रहे हैं फ्लावर या लीफ वो अपने हद कमाल और नशो नुमा पर हो। हद कमाल होता है बाउंड्रीज, ठीक है, अब इसको समझेंगे क्या होता है ये, कि जैसे आप लोगों ने किसी फूल को देखा होगा, ठीक है, तो आप देखकर ही जानते हैं कि ये फूल अभी थोड़ा सा और बड़ा होगा, आपके एक्सपीरियंस पे है। जैसे आपने गुलाब देखा तो गुलाब की कली छोटी है, ठीक, तो आप देखते हैं तो आप जान जाते हैं कि ये कुछ दिन बाद ये गुलाब पूरी तरीके से बड़ा होगा, ठीक। हद कमाल का मतलब होता है बाउंड्रीज। अगर ये गुलाब है, ठीक है, ये गुलाब है तो आपको पता है कि इसकी बाउंड्रीज इतनी बड़ी होती है। फिर एक टाइम आता है कि आपको पता चलता है कि ये गुलाब इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, अब ये मुरझाने लगेगा, ठीक, तो वो आपके एक्सपीरियंस से पता चलता है। तो वही बात है ये कि जब वो फूल अपने हद कमाल पे हो यानी पूरी बाउंड्रीज पे हो, बड़ा हो चुका हो और नशो नुमा हो यानी पूरी तरीके से खिल चुका हो,
इलेक्ट्रिक वो पत्तियां जो हों वो छोटी ना हों, अपनी साइज में आ चुकी हों, नशोनुमा हो चुकी हों, हरी भरी हों, तब उनको हम उन दरख्तों से हासिल करते हैं और हम उसे उस वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं जब तक उसकी बू और रंग यानी उसकी महक और उसका कलर ना जाए। तो इसको साये में कमरों में सुखा कर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो फूल और पत्तों को हम उस वक्त हासिल करते हैं जब वो अपनी हद कमाल और नशोनुमा पर आ चुके हों। बात करेंगे सेकंड, तुख्म और फल यानी सीड और फ्रूट्स को हम लोग कब कैसे हासिल करते हैं, तो आइए सीखते हैं। देखिए ये एक प्लांट है, मैंने पेड़ बनाया एक, और ये उसके फ्रूट्स हमने बना दिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब किसी दरख्त से उनके फल और तुख्म सीड हासिल करना हो तो हम ये देखते हैं कि उसके फल पूरी तरीके से पक चुके हों और पक कर ज़मीन पर गिरने लगे हों, ठीक है। जब पक कर ये ज़मीन पर गिर जाते हैं तो हम इस गिरे हुए फ्रूट्स को नहीं उठाते, ये मुनासिब नहीं है, ठीक। तब हम फिर दूसरे फल तोड़ लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक सिग्नल है कि सारे फल पक रहे हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है पकना, वो शुरुआती दौर आ चुका है उनके पकने का। तो ये गिरे हुए फल उठाकर हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, हम बस डायरेक्ट उन पेड़ों से तोड़ लेते हैं, ठीक है। और जो सीड्स हैं अगर इनके बीज भी इस्तेमाल होते हैं जो इसके अंदर हैं, तो वो भी हम जब फ्रूट्स पक जाता है तो उसे निकाल कर उसके बीज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपको ये चीज़ एग्ज़ाम में लिखनी हो कि तुख्म और फल कैसे हासिल करते हैं, तो आप लिखेंगे कि किसी भी दरख्त से उसके फल और तुख्म उस वक्त हासिल करते हैं जब उस पेड़ से उसके फल गिरने लगें, पक कर गिरने लगें, और ताहम हम गिरे हुए फलों को इकट्ठा नहीं करते, हम फिर नए फल जो पेड़ पर लगे हुए हैं हम उनको तोड़ते हैं और फिर उनको हासिल करते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग जड़ की, रूट की, कैसे किसी प्लांट का रूट हासिल करते हैं हम लोग, ठीक। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी दरख्त का जड़ उस वक्त हासिल करते हैं जब वो दरख्त पूरी तरीके से बड़ा हो जाए और नशोनुमा हो जाए। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि वो दरख्त पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है, तो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, अपने मुफरदात में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें देता है कि दवा ड्रग्स की हाइट क्या होती है, यानी वो पेड़ की हाइट क्या होती है और कितने मीटर के बड़े होते हैं, कितने फिट के होते हैं, कब पूरी तरीके से तैयार होते हैं, नशोनुमा होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी में ये सारी डिटेल दी होती है। तो अगर किसी कोई पेड़ है, ठीक है, सपोज ये एक पेड़ है जिसकी हाइट सपोज 2 फिट है, ठीक है, और ये ज़मीन में लगा हुआ है, ठीक, और ये इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं ये, ठीक है, और हमें इसे हासिल करना है, ठीक। तो समझिएगा यार, अगर ये पेड़ हमें पता है कि ये 2 फिट का होता है, किताबें बताती हैं, ठीक है, और अगर ये पेड़ इतना बड़ा हो सिर्फ मतलब 1 फिट का हो, तो क्या उसकी जड़ इस्तेमाल के लायक होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो यही चीज़ ध्यान रखना है कि वो पेड़ पूरी तरीके से बड़ा हो चुका हो तब उसके जड़ भी अच्छे होंगे और उसमें जो कीमियावी अज्जा होंगे, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके लिए हम उसे हासिल कर रहे हैं इस्तेमाल के लिए, वो भी इसमें भरपूर होंगे, तभी वो। ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि छोटा पेड़ है, ठीक है, ये एक छोटा सा पेड़ है और उसकी छोटी सी जड़ है, हमने उसे उखाड़ लिया और अपने इस्तेमाल किया, तो इसमें दवाई अज्जा कम होंगे। हम इंतज़ार करते हैं कि वो पेड़ पूरी तरीके से बड़ा हो, ठीक, तब हम उसका इस्तेमाल करें। तो जड़ों को हासिल करने का तरीका है कि पेड़ को पूरी तरीके से अपने नशोनुमा पर होने दें, बड़ा होने दें, तब फिर उसकी जड़ों को उखाड़ कर इस्तेमाल करें ताकि उससे उसके कीमियावी अज्जा, उसके दवाई अज्जा उसमें पूरी तरीके से बने हुए रहें। जड़ों को हासिल करने के लिहाज से एक और पॉइंट है इसमें, बहुत उसे जानना ज़रूरी है, वो क्या है, देखिए क्या होता है कि अगर कोई पेड़ है, कोई दरख्त है, ठीक, और उसमें फल लगने की सलाहियत है यानी उसमें फ्रूट्स भी आते हैं उस पेड़ में, ठीक है, तो हमको उसकी जड़ों को हासिल करना है अगर इसको इस्तेमाल के लिए अपने, तो हम उसकी जड़ उस वक्त हासिल करते हैं जब उस पर फल लगने वाले हों, ठीक है। अभी फल लगा नहीं हुआ है तब हम उसकी जड़ को हासिल कर लेते हैं, और अगर उस पर उसके फल आ चुके हैं तो ऐसा माना जाता है कि जड़ों के जो दवाई अज्जा हैं वो फलों की तरफ मायल हो जाते हैं, ठीक है, यानी जो जड़ में जो चीज़ें पाई जाएंगी दवाई अज्जा वो फलों की तरफ चले जाते हैं।
तो इससे जड़ में फिर वो चीज़ें बाकी अफ़ाल व ख़वास उसके जो काम करना चाहिए वो चीज़ बाकी नहीं रह जाती। तो इसी बात का ध्यान रखते हैं कि अगर किसी दरख्त में फल लगने की सलाहियत है तो उसके जड़ उसके फल लगने से पहले ही हासिल कर लिया जाए, वरना ऐसा माना जाता है कि जड़ों के दवाई अज्जा फलों की तरफ मायल हो जाते हैं और फिर जड़ों में वो दवाई अज्जा कम बचते हैं। कहते हैं हम लोग शाख और छाल की, यानी ब्रांचेस और बार्क, यानी टहनियों को और किसी दरख्त के छाल को हम कब हासिल करते हैं, तो इसमें आप लोगों को सिर्फ एक लफ्ज़ जानना है, मौसम बहार। ठीक है, यानी किसी भी दरख्त के शाख और छाल को हासिल करने का बेहतर वक्त है मौसम बहार। अब क्या होता है मौसम बहार, वो वक्त जिसमें गर्मी जा रही हो और ठंड आ रही हो। ठीक है, स्प्रिंग सीजन, ठीक, मौसम बहार कहलाता है। जैसे जिसमें क्या होता है कि वो टहनियाँ पूरी तरीके से सूखी नहीं होती हैं, उनमें शादाबी होती है, यानी थोड़ी नमी होती है। हाँ, और बरसात में भी हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, नहीं लाते, क्योंकि वो भीग चुकी रहती हैं वो टहनियाँ, वो छाल। तो ऐसे टाइम जब मौसम सदाबहार हो, ना गर्मी हो ना ठंडक, बीच का मौसम हो, उस वक्त हम उन छाल को और टहनियों को हासिल करते हैं उनके बेहतर वक्त में। तो अब बात करेंगे हम लोग बूटियों की, कि बूटियों को कैसे हासिल किया जाता है। ठीक है, नबात में ही ये कैटेगरी आती है, श्रब जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देखिए हर्ब और श्रब में मैंने डिफरेंस बता दिया है माखिज़ अदविया में, तो वो वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी कि बूटियाँ क्या होती हैं और बाकी जो दरख्त के पेड़ हैं वो। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा बहुत फिर भी बता देता हूँ। देखिए जो बूटियाँ होती हैं वो उनको पूरे अज्जा के इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके जितने अज्जा हैं, जड़ तना पत्ती जो भी हैं वो छोटे होते हैं, जैसे पुदीना वगैरह बूटियाँ हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इनको तब हम लोग हासिल करते हैं जब पूरी तरीके से ये बेहतर खिल चुके हों, बड़े हो चुके हों और अपने हद कमाल यानी बाउंड्रीज और नशोनुमा हो चुके हों। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे पुदीना एक बूटी है, अगर उसको हासिल करना है तो हम देखते हैं कि पुदीना का वो जो पेड़ है वो पूरी तरीके से बड़ा हो चुका हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटा सा पुदीना हमने उसे उखाड़ लिया अपने इस्तेमाल किए, नहीं, हम वेट करते हैं कुछ दिन का कि जब पुदीना अच्छी तरीके से बड़ा हो जाए तब हम उसे इस्तेमाल करेंगे ताकि उसके दवाई अज्जा ज़्यादा हों उसमें। तो बस यही देखना है बूटियों को हासिल करते वक्त कि वो पूरी तरीके से अपने हद कमाल और नशोनुमा पर आ चुके हों। तो अब बात करेंगे हम लोग किसी दरख्त के अगर गोंद हासिल करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें आइए जानते हैं, किसी भी दरख्त के गोंद हासिल करने के लिए हम उसे उस वक्त हासिल करते हैं जब सूरज निकलने से पहले, यानी फजर के वक्त, जब सुबह ठंडी होती है, जब उस वक्त यानी 3 से 4 बजे तक उसको हासिल कर लेते हैं, या फिर सूरज डूबने के बाद 7 बजे से लेके 8 बजे तक। ठीक है, शाम को इशा के वक्त। ठीक, तो ये दो बातें आपको ख्याल रखनी है कि किसी भी दरख्त के गोंद, ये गोंद है, किसी भी दरख्त के ये गोंद उस वक्त हासिल करते हैं जब सूरज निकलने से 2 घंटे पहले और सूरज के डूबने के 2 घंटे बाद। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर सूरज निकल गया, ठीक है, तो उस गोंद में जो गोंद है वो उसमें तखमीर पैदा हो जाती है, यानी सूरज की रोशनी उन गोंद को ख़राब कर देती है, यानी उसमें सड़ान पैदा हो जाती है और सूरज की रोशनी से ये गोंद पिघल कर ज़मीन पर गिर जाती हैं। तो इसलिए हम उन्हें सूरज निकलने से पहले ही हासिल कर लेते हैं, या फिर शाम के वक्त जब सूरज डूब जाए तब जब ये पेड़ गोंद बनाते हैं हम तब उसको हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो गोंद को हासिल करने का यही बेहतर तरीका है। अब दवाओं की दूसरी कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे मादनी दवाएं, मेटेलिक और मिनरल ओरिजिन की जो दवाएं होती हैं, इनको हम जियोलॉजिकल ओरिजिन की दवाएं भी कहते हैं, जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं, सबसे पहले इन दवाओं को हासिल करने में एक बात आपको जहन में होनी चाहिए कि ये दवाएँ हर जगह नहीं मिलती। ठीक है, इनका एक मखसूस इलाका होता है। इसमें कौन कौन सी दवाएँ थी, जैसे पत्थर, हजरियात और सल्फर यानी किबरीत, और उसके बाद मरकरी, पारा, ये सारी दवाएँ, और उसके बाद तिनकार, सोडियम बोरेक्स, ये सारी दवाएँ आती हैं। ठीक है, तो ये एक मखसूस इलाकों से ही दस्तयाब होती हैं, मिलती हैं, हम और आप लोगों के मुआशरे या घरों के पास नहीं मिलते हैं, यानी उन ज़मीनों से नहीं निकलता। जैसे सोना, चांदी, ये चीज़ें चाहिए तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ की ज़मीनों में ये चीज़ नहीं मिलेगा। जहाँ इनकी खदाने हैं, खान वगैरह हैं, जहाँ से ये निकाले जाते हैं, तो ये उनका एक मखसूस इलाका होता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही ज़हन में रखना है कि जो भी दवाएँ आती हैं वो अपने मखसूस इलाकों से आती हैं, जहाँ पर वो पाई जाती हैं। हमें बस इतना ख्याल रखना है उन दवाओं में कि उनका
उन दवाओं में कोई खोट ना हो, ठीक है, कोई खराबी ना हो, कोई आमेजिश ना हो, कोई चीज़ की मिलावट ना हो उन दवा में, और उनका रंग जैसा एक्चुअल में उनका रंग होता है वैसा हो, और उनकी बू यानी महक जो खुशबू होती है वो सेम उसी तरह हो जैसे ओरिजिनल दवाएं होती हैं, और उनकी चमक, अगर कोई दवा में चमक होती है तो वो सेम चमक होनी चाहिए, कोई खराबी ना हो। और दूसरी जो तमाम ज़ाहरी खवास हैं जो बाहर से वो दवा दिखने में लगती है आपको, तो सेम उसी तरह होनी चाहिए, तभी हम उस दवा को हासिल करते हैं। अगर उसमें ज़रा सा भी खोट हो, आमेजिश हो, कोई भी चीज़ें हो, खराबी हो, तो हम उसे हासिल नहीं करते, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ पाए हों, मेटेलिक और मिनरल ओरिजिन की दवाओं को सिर्फ हम अपने एक्सपीरियंस और उनके मखसूस इलाके, रंग, बू और उनके खोट, उनके ज़ाहरी खवास के एतबार से हम उन्हें हासिल करते हैं। करेंगे हम लोग तीसरी कैटेगरी की, जो है हैवानी दवाएं, यानी एनिमल ओरिजिन, जो जानवर से जो दवाएं मिलती हैं वो, ठीक है। तो इसमें आपको एक बात जहन में रखनी है कि ये दवाएं जो होती हैं, सबसे पहले अगर कोई जानवर है तो सेहतमंद हो, अच्छा हो, जैसे अकरब, बिच्छू को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बिच्छू छोटे ना हों, थोड़े बड़े हों, ठीक है, और हेल्दी हों, अच्छे हों, ठीक। उसके बाद अगर खरातीन इस्तेमाल करें, खरातीन यानी केचुआ, अगर उनको हमें हासिल करना है तो वो भी सेहत के मुकाबले थोड़े अच्छे हों। जोंक वगैरह जो भी चीज़ें हैं एनिमल से जो दवाएँ हासिल होती हैं, ठीक है, जोंक यानी लीच, ठीक है, उसका तेल वगैरह बनता है बालों के लिए, तो ये सारे जो जानवर हैं उनको हम सेहत के हिसाब से हासिल करते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे बैजा मुर्ग, अंडा, तो ये हम देख लेते हैं कि अंडा अच्छा हो, ख़राब ना हो, तो उस वक्त हासिल करते हैं। और एक दवा है आबरेशम, ठीक है, सिल्क कुकुन जिसे कहते हैं, जो शहतूत के पेड़ों पर रेशम के जो कीड़े होते हैं, रेशम के, वही उनका एक घर होता है, वाइट कलर का एक इस तरीके का होता है, और इसमें वो कीड़े अंदर रहते हैं और रुई की तरह होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम आबरेशम। तो उसे भी जब हासिल करना है तो हम देखते हैं कि पूरी तरीके से अच्छा हो वो, तभी हासिल करते हैं। इसमें हम लोगों ने तीनों कैटेगरी को बारी बारी से पढ़ा। पहले में हम लोगों ने पढ़ा नबाती दवाएं, प्लांट ओरिजिन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा पत्तियां, फूल, फल, तुख, गोंद, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक एक करके उसमें पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मादनी, जो ज़मीन से जियोलॉजिकल दवाएं जो होती हैं वो कैसे हासिल करते हैं, उसमें हम लोगों ने सीखा। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने एनिमल सोर्स, हैवानी दवाओं को सीखा कैसे हासिल करते हैं। तो ये पूरी तीन चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद इसकी जो इस चैप्टर की जो सेकंड वीडियो होगी वो सिर्फ हम लोग सीखेंगे कि दवाओं को कैसे तहफ़ रखें और उनका प्रिवेंशन, उनका बचाव कैसे करें जो हम हासिल करते हैं दवाएं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लिंक अपने जूनियर और बैचमेट को ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाली और भी वीडियोस का वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो और आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं फिर इस चैप्टर की अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।